the King Edward Forum was a fundraiser named Main Bhi Pakistan. It was initiated in August, and up till today it has raised $70,000 for the Bhasha Adhyaya Mir Dam of Pakistan. Five-member team of our USMLE forum. Whatever you donate, 2.2% we have to pay to the Facebook, but your $100 goes as $100 to the Pakistan. 2.2 we pay out. Why we did on the Facebook? Very important. 15 reasons we wrote a 15 reasons. It's just like namaz padhne ke liye jab aap jaate hain, aap ghar mein bhi padh sakte hain. बहुत अच्छी बात है. आप जब मस्जिद पर जाते हैं आप चार पांच डोर बेल्स कर देते हैं और चार पांच लोगों को साथ ले चलते हैं. जब आप में से कोई भी डोनेट करता है आपकी तमाम फ्रेंड्स की वॉल्स पे आपका नाम आता है, अमाउंट नहीं आती, अमाउंट सिर्फ मुझे पता चलती है. एंड देन दे गेट इंस्पायर्ड. फिर हम लोग एक दूसरे को टैग भी करते हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग भी करते हैं कि तूने नहीं दिया, तूने नहीं दिया, समथिंग लाइक दैट. और हम लोग इस तरह से ये भी देखते हैं कि किस कंट्री से हमें कम डोनेशन आया है. हमने ये देखा कि ऑस्ट्रेलिया से हमें बहुत कम डोनेशन आया और हमने वहां पे अपने दो हमारे डॉक्टर्स थे जो वहाँ पे एएमसी कर रहे थे, उनको हमने रब्ता किया, उसके बाद वी गॉट $7,000 फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. सो दिस इज व्हाई वी टेल यू गाइस टू डू ऑन फेसबुक. ये सब किसके लिए है, ये क्यों है, ये मैं भी नाम कहाँ से आया था, हमारा पाकिस्तान से रिश्ता क्या है. हमारा पाकिस्तान से वो ही रिश्ता है जो हमारा अपने माँ बाप से रिश्ता है. आप में से मोस्ट ऑफ लोगों के माँ बाप आपके साथ नहीं रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हो. ऐसे ही हम भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहते हैं, लेकिन हमारा दिल उनके साथ धड़कता है, हमारा दिमाग उसके लिए सोचता है. वो पाकिस्तान जिसके बागों में हमने अपने बचपन के झूले लिए थे, वो पाकिस्तान जिसकी बरसातों में हमने अपने मासूम इरादों की कश्तियाँ चलाई थी, वो पाकिस्तान जिसकी गर्मियों की दोपहरों की धूप और सन्नाटे आज भी हमारी इस बारौनक जो है जिंदगी में साए साए करते हैं, वो पाकिस्तान जिसकी धूप की वो जो सर्दियों की वो जो राहत बख्श धूप होती है जो आपको यूएस में कभी नहीं मिलेगी, उसमें वो तितली को पकड़ के और उसको जो छोड़ने का मजा, वो पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसने हमारे बचपन को अपनी शफकत से आबियार किया. आज अगर वो 70 साल का बूढ़ा पाकिस्तान हो गया तो उसकी खुशकी को, उसके बुढ़ापे को हमारी जवानी की जरूरत है. इस कैंपेन को चलाते हुए कुछ लोगों ने सवाल किया कि डैम तो नहीं बनेगा, $14 billion ह्यूज अमाउंट, व्हाई टू इवन बिगिन विद. तो मैं इसका जवाब इस तरह से देता था कॉलम्स में कि आपके घर में खुदा ना खास आपकी वालदा वो कैंसर हो जाए और डॉक्टर आपको ये बोले कि 70% चांस है मोर्टैलिटी, यू आर ऑल डॉक्टर्स, यू नो व्हाट मोर्टैलिटी मींस, 70% चांस है मोर्टैलिटी का, लेकिन 30% चांस है कि शायद बच जाए कीमोथेरेपी से. तो उस घर का बाप क्या करता है, वो ये नहीं कहता है कि वो छोड़ दे उस औरत को, वो अपने जो बेटा उसका बाहर मुकीम होता है उसको कहता है बेटा और पैसा भेज, तेरी माँ को जरूरत है. जो बेटा पाकिस्तान में होता है उसको कहता है बेटा ओवर ड्यूटी कर, तेरी माँ को जरूरत है. वो अमेरिका वाला बेटा ये नहीं कहता कि अब्बा जी मरन दियो इन्हें, ठीक है, क्योंकि 70% चांस है मर जाना है. वो उसको गिल्ट फील होता है कि इस मौके पे तो उसको वहां पे उसके पांव दबा रहे होना चाहिए था, इस मौके पे तो उसको वहां पे उसको मेडिकेशन अपने हाथ से देना चाहिए था. कहे का डॉक्टर जो अपनी माँ को मेडिकेशन नहीं दे पाता, लेकिन वो नहीं कर पाता. लेकिन फिर वो इस गिल्ट को कैसे दूर करता है, वो बिला वजह का इकोनॉमिस्ट नहीं बन जाता, वो बिला वजह का तजिया दान और हिसाब दान नहीं बन जाता, वो पैसा भेजता है. वो कहता है एक कीमोथेरेपी ही सही. ये है जवाब कि आप अपने 30 दिन की पे में से एक दिन की पे दे के तो देखिए उस मुल्क को जिसकी वजह से आपको 29 दिनों की पे मिलती है. Thank you.
start a scholarship for any medical student who graduated from any medical school from Pakistan. We're planning to support at least step one for those students from our pockets. Or, well, already we have a student who's a graduate from Allama Iqbal. और हमारा प्लान यही है क्योंकि अभी कैमकाना की एफर्ट से स्टूडेंट जो कैंग्रेट वर्ड के हैं उन्हें स्टेप टू और आफ्टरवर्ड देयर एप्लीकेशन मैच को सपोर्ट किया जाता है. तो हम उन स्टूडेंट्स को जो थोड़े डिस्करेज होते हैं कि हमारे पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, वो स्टेप वन ही नहीं करते, तो हम उनको जो है ना सपोर्ट करना चाहते हैं. तो वो स्टार्टिंग विद वन स्कॉलरशिप दिस ईयर, इंशाल्लाह हम इसे ग्रेजुअली एक्सपेंड करेंगे. और अगर आप में से कोई हमें सपोर्ट करना चाहे, हमें ज्वाइन करना चाहे, तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन. I would pledge 500 right now. Yeah. He is the director of Hope Society. He was kind enough to support our fundraiser and our projects. Dr. Amjad Sheikh, you already have seen. He was kind enough to support our observership program. Dr. Nadeem Akram Bhatt, he is a Swatiya physician who runs our media campaign very dedicatedly. We have never met, but he does this for us. And Dr. Salman Kazmi, who is YDA secretary, YDA Pakistan. So these people have helped us in media campaign of this campaign. And I would also like to pay tribute to Usama bin Tahir here, who was very kind. He's an example. When he was an applicant, then he was an observer, then he became a resident. So Usama was always with us. One of very few applicants who did not forget us after becoming resident. So many of them do that, and that's totally fine. But he was the one who is now resident in emergency medicine. He's still attending. Sorry, I'm outdated. So okay. So he always comes forward whenever we call him. Thank you, Usama. फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं, और इस बात को हम सबको रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान में जो इम्पेंडिंग वाटर क्राइसिस के लिए डैम्स की कंस्ट्रक्शन की मुहिम चल रही है, उसमें इंफरादी और इज्तमाही तौर पर हम सबको हिस्सा लेना है. अपना हिस्सा जरूर डालें. कतरा कतरा मिलकर समंदर बनता है. खुदा पर तवक्कुल रखें, क़यादत पर एतबार रखें, हम सब आगे बढ़ें. मैं भी पाकिस्तान. पाकिस्तान में पानी की इम्पेंडिंग क्राइसिस के लिए हम आजकल डैम्स के लिए फंड रेजिंग कैंपेन चला रहे हैं. मेरी आप सबसे गुजारिश है, सब पाकिस्तानी भाई और बहन बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में हिस्सा लें. जितना भी हो सके, कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है. आप सबसे गुजारिश है कि सब लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें. मैं भी पाकिस्तान. पाकिस्तान के लिए डैम्स बेतहाशा जरूरी है, और हम सबको दिल खोल के डैम्स के लिए एहतियात जमा करवाने चाहिए. आगे बढ़िए और दिल खोल के डैम्स के लिए एहतियात जमा कराएं. मैं भी पाकिस्तान. जब वो महवे तज़ीने गुलिस्तान था, शौक में मगन वो एक कारवां था. हिम्मत और जुर्रत का नामो निशा था, जज्बों से जारी तब मैं भी जवां था. गाफिल नहीं था तब मैं भी वहां था. सुनो मेरे बच्चों, तब मैं भी इमरान था. इसी जज्बे के तहत ये कैंपेन चलाई गई है, मैं भी पाकिस्तान. डोनेट कीजिए, हम अपने मुल्क के पानियों के लिए एक एक बूंद इकट्ठी कर रहे हैं. डोनेट कीजिए, मैं भी पाकिस्तान.